हेलो दोस्तों, ग्रह शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे ग्रहण के बारे में बात करेंगे। ग्रहण जो कि हर साल में एक या दो बार पड़ता ही रहता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या वो चंद्र ग्रहण हो, और ये ग्रहण जिस समय लगता है उससे 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाते हैं, जिससे भगवान की पूजा पाठ भी बंद हो जाती है। और ग्रहण के समय कोई भी जप फल करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कुछ बातें जो ग्रहण के समय करनी चाहिए और जो बातें ग्रहण के समय नहीं करनी चाहिए, वो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्रहण के समय भोजन नहीं खाना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले ही दूध में, पानी में सब में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए, ताकि वो पदार्थ दूषित ना हो सके। और यदि पका हुआ खाना ग्रहण के समय हो तो उसे ग्रहण के ख़त्म हो जाने के बाद गाय या कुत्ते को डाल देना चाहिए और नया खाना बना के ही उसे खाना चाहिए। ग्रहण के समय फूल, तुलसी, पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए, तेल मालिश नहीं करनी चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, किसी भी भगवान को छूना नहीं चाहिए, मंदिर में भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय सोने से रोगी और मल त्यागने से कीड़ा और बातचीत करने से सुअर और उपटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी बनता है, इसलिए इन बातों का खास ध्यान रखें। जो गर्भवती यानी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उन्हें तो इस समय बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। घर से बाहर तो बिल्कुल उन्हें निकलना नहीं चाहिए और प्रेग्नेंट महिला को अपने पेट पर लाल गेरू को लगाना चाहिए, यह एक कवच का काम करता है। और हाँ, ग्रहण शुरू होने से पहले ही जो भी आपको दान करना है, चाहे वो कपड़ा हो या गेहूँ हो, उसे अपने मंदिर के पास रख दें और ग्रहण खत्म होने के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कने के बाद वो वस्तु बाहर किसी गरीब को दान कर दें। और इसके साथ ही एक खास बात और कि ग्रहण के समय केवल भगवान का मन ही मन जाप करते रहें। जिस इष्ट को भी आप मानते हैं उसे याद करते रहें, इससे आप पर ग्रहण का असर नहीं होगा। बस जब भी ग्रहण पड़े आप इन बातों को ध्यान में रखें। आपकी कोई भी राशि हो या आप पर कोई भी ग्रह हो, आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक को यहीं विराम करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी अगली नई वीडियो में एक नई समस्या के समाधान के साथ मिलते हैं। तब तक जय श्री राम।